गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 28 जुलाई और दोपहर के बज रहे हैं 3:15। दिन है आज संडे का, वीकेंड स्टडीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं और इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद शानदार सेशन फ्रेंड्स। और उसकी वजह यह है कि हमारी लर्न टू अर्न सीरीज से आप में से वो निवेशक जो कि अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने सीरीज शुरू की थी लर्न टू अर्न। इस लर्न टू अर्न सीरीज के अंतर्गत हम आपको सिखा रहे थे टेक्निकल एनालिसिस, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर हर एक दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करते थे टेक्निकल एनालिसिस के संबंध में। और साथ ही इस टेक्निकल एनालिसिस को सिखाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे फ्रेंड्स, वो है ट्रेड टाइगर, वर्जन है 2.5। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसके लिए ज़रूरी है कि शेयर खान के में आपका अकाउंट होना, क्योंकि जब शेयर खान ब्रोकिंग फर्म के अंदर आपका अकाउंट होता है तब आपको ये ट्रेड टाइगर यूज़ करने का मौका मिलता है। चूँकि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट चाहिए, वो भी शेयर खान के अंदर। सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। मार्केट के अंदर 8 डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, जिनमें से 3 पेड सॉफ्टवेयर और बाकी के फ्री सॉफ्टवेयर थे। इन सब के कंपैरिजन के बाद में और पिछले 8 साल के अनुभव के बाद में कि सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर कंपैरिजन से यूज़र इंटरफेस के मामले में ये सॉफ्टवेयर बहुत ही शानदार है। मतलब जितनी भी तरीके के डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और जो भी स्टडीज़, वो रिगार्डिंग लीडिंग या लैगिंग इंडिकेटर्स हो या कोई भी सॉफ्टवेयर का पार्ट जो कि मार्केट में दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस के संबंध में, वो सभी कुछ बढ़िया था। साथ ही बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड था, इसलिए हम हमेशा ट्रेड टाइगर का इस्तेमाल करते थे। फिर हमारे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स जो हैं और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि सर, हर किसी के पास में पेड सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं या हर किसी के पास ट्रेड टाइगर नहीं है या ट्रेड टाइगर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे निवेशक, रिटेल निवेशक क्या करें? क्या उनके लिए सीखने का कोई मौका नहीं है या कोई और सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो ये सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट? और अगर ऐसा है सो काइंडली एक बार उन्हें बताएं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ये इसी क्वेरी पर आधारित है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है ऐसा मार्केट के अंदर अवेलेबल जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में ट्रेड टाइगर नहीं है। और ये सॉफ्टवेयर है investing.com, एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है फ्रेंड्स। हमने कंपेयर किया मनी कंट्रोल का सॉफ्टवेयर और प्लस investing.com का सॉफ्टवेयर, इन दोनों को ही एक रिटेल निवेशक और बिल्कुल ही न्यू कमर के लिए मार्केट के अंदर जो बिल्कुल नया है और जिसके पास में पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। सो फ्री सॉफ्टवेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस इसका बहुत अच्छा हो और बहुत ईजिली आसानी से समझ में आने वाला हो, वो सॉफ्टवेयर है investing.com का। सो आज के इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि एक नया निवेशक जो कि बिल्कुल मार्केट के अंदर अभी अभी आया हुआ है और जिसने हमारी लर्न टू अर्न सीरीज देख रखी है, वो आखिर investing.com के अंदर आने वाला सॉफ्टवेयर जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होने वाला है उसे कैसे यूज़ करें। सो बिल्कुल सिंपल, आसान शब्दों में और बिल्कुल आसानी से आपको समझाएंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करें। सिंपल है, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी ब्राउज़र में जाएं और टाइप करें in.investing.com। investing.com सर्च करते ही आपको एक सिंपल सा यूज़र इंटरफेस मिलेगा सामने, ये इसका होम पेज है। होम पेज में ध्यान रखें राइट साइड में यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें इंडिया सेलेक्ट करें बेहतर रहेगा। सेम वैसे ही है मनी कंट्रोल के अंदर, आप मनी कंट्रोल के अंदर डालते हैं तो सेम मनी कंट्रोल का जो बेसिक खुलकर आ जाता है सामने, ठीक। इसके बाद ऊपर, सबसे ऊपर सर्च बॉक्स आपको मिलेगा, इस सर्च बॉक्स में जिस भी कंपनी के बारे में आप चार्ट जिसका स्टडी करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम डालें, जैसे कि हमने यहाँ MRF डाला हुआ है, MRF लिमिटेड का नाम, वो डालेंगे आप, ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्लिक करें MRF का नाम, आपको यहाँ सामने एक छोटा सा चार्ट खुलकर सामने आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस के लिए और यहाँ पर आपको लिखा आएगा investing.com। ये बेसिकली MRF का चार्ट है, लाइन पैटर्न का चार्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना ये है कि इस चार्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करें। चार्ट के ऊपर क्लिक करते ही ये चार्ट एक बड़े फॉर्म में खुलकर आपके सामने आएगा जिसमें ऑप्शंस कहीं ज़्यादा होंगे बजाय जितने ऑप्शंस अभी हैं, ठीक। ये देखिए खुलकर आ रहा है सामने।
अब इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में यहां पर फुल स्क्रीन करने का, या फिर कंट्रोल बी के शॉर्टकट से क्लिक करें इस पर। सामने आपके MRF का चार्ट अवेलेबल है। मजेदार चीज क्या है, ध्यान से सुनते रहिएगा, सेम वो स्टडीज जो हम ट्रेड टाइगर 2.5 के वर्जन का इस्तेमाल करते हुए करते थे, वही सारी की सारी स्टडीज आपको investing.com में मिलेगी। कहां पर, लेफ्ट साइड में इस पर्टिकुलर यूजर इंटरफेस को देखिएगा, ये पर्टिकुलर पार्ट शेयर का, जहां पर कि आप जो भी चार्ट है इस चार्ट के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। जहां पर आपको एक कैंडलस्टिक दिख रहा है, इस कैंडलस्टिक पर क्लिक करते ही आपको कैंडलस्टिक चार्ट आ जाएगा, या राइट साइड में ये जो डाउन ट्रायंगल है इस पर क्लिक करेंगे आप, जितनी टाइप के कैंडलस्टिक्स होती हैं, माफ कीजिएगा, जितनी टाइप के चार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कैंडल्स मिलेंगे, हॉलो कैंडल्स मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको हैकेनाशी मिल जाएगा। वो हैकेनाशी और रेन को अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है, उसके ऊपर वीडियोज अभी आने बाकी हैं। ठीक, लाइन चार्ट मिल जाएगा, एरिया चार्ट मिलेगा जो कि एक बेसिक चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी मिलेगा, और शायद बार चार्ट भी अवेलेबल हो इसमें। हाँ, बार चार्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, सो आपको इस्तेमाल करना है, आपको पता है कैंडलस्टिक्स, सो कैंडलस्टिक्स लगाइए, सबसे बढ़िया चार्ट है। और उसके बाद माउस का जो व्हील होता है, उस माउस के व्हील को ऊपर या नीचे स्क्रोल करके आप जो इसकी ड्यूरेशन है चार्ट की वो भी घटा या बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में। देन सेकंड चीज़ है कि जो आपने कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल की, इसका ड्यूरेशन घटाना या बढ़ाना। सो अगर आप इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी शेयर का मूवमेंट, जैसे MRF का मूवमेंट अगर आप इंट्राडे में देखना चाहते हैं, तो आप क्लिक करें, ये 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक में चेंज हो जाएगा। देन यहीं से आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, कैसे कैंडलस्टिक पर डे की, वन डे पर क्लिक करेंगे तो ये डेली की कैंडलस्टिक है। जरा MRF के चार्ट को ध्यान से देखिएगा, आपको सेम यही चार्ट अभी यहां देखने को मिलेगा। ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये है ट्रेड टाइगर का वर्जन 2.5, सेम चार्ट MRF का, कोई फर्क नहीं है, डेली का कैंडलस्टिक है। देन यही डेली का कैंडलस्टिक आप चेंज कर सकते हैं एक वीक का कैंडलस्टिक में, ये वीकली कैंडलस्टिक है, यानी कि एक जो कैंडलस्टिक है ये एक वीक का मूवमेंट दर्शा रही है। और बढ़ाना चाहते हैं इसे, एक मंथ का कर दीजिए तो ये मंथली कैंडलस्टिक मिल जाएगी, और जो ये चार्ट है आपका, ये आपको मंथली चार्ट मिल जा रहा है। ठीक, इसके साथ में वॉल्यूम आपके पास में हमेशा से अवेलेबल रहता है। इन सब इंफॉर्मेशन के बाद जब आप चार्ट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं, राइट साइड में रहा वीकली के बाद में मंथली, अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आ गया आपके पास में मंथली। सो वीकली, डेली और मंथली। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखना चाहते हैं तो 1 घंटे का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 30 मिनट का, 45 मिनट का, ये सारी कैंडलस्टिक्स अवेलेबल है। बट आपको पता है कि हम ज़्यादातर डेली का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं किसी भी शेयर की एनालिसिस के लिए। देन सेकेंड ऑप्शन है चार्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। चार्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जाएंगे तो आपको कितनी भी तरह के कैंडलस्टिक्स हैं ये मिल जाएगी। इसके अंदर से आप चेंज कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स का कलर, जो कि बहुत ज़्यादा काम का नहीं होगा। देन स्केल्स, इन स्केल्स में भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड, या आप अपने हिसाब से जो शेयर का, जो चार्ट का बैकग्राउंड है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन एंड सेटिंग्स, ये डिफ़ॉल्ट है, चूँकि आपने इंडिया ले रखा था इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ आपके करने के लिए नहीं बचता है। आपके करने के लिए जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो है इंडिकेटर्स। ये ध्यान से इसके राइट साइड में देखेंगे आप, सेटिंग के ठीक राइट साइड में जो क्लिक है, यहाँ पर है इंडिकेटर्स। इनमें आप जो इंडिकेटर चाहे वो इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वही आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, मूविंग एवरेजेस। और मूविंग एवरेजेस करने के लिए आपको सीधे आना पड़ेगा M, ऊपर से नीचे आइए, मूविंग एवरेजेस, और इनमें भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आपको, क्लिक करें, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ लेफ्ट साइड में प्लॉट हो जाएगा। सेकेंड मूविंग एवरेज क्लिक करें, अगेन प्लॉट हो गया। अब आपको करना यह है कि किसी भी मूविंग एवरेज को अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाना है, तो फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, मूविंग एवरेज पर क्लिक करके फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, लेंथ 50 डेज चेंज कर दीजिए मूविंग एवरेज, क्लोजिंग टाइप मूविंग एवरेज होगा, यानी कि जो ये वैल्यू लेगा ये क्लोजिंग की वैल्यू लेगा। स्टाइल में जाइएगा, बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, सिंपल क्लिक कीजिए और मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगा 50 डेज के मूविंग एवरेज में। देन सेकेंड मूविंग एवरेज सेम वही, क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, लेंथ 200 कर दीजिए, 200 डेज मूविंग एवरेज आ गया, सेम वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। सो आपके पास में एक 200 डेज मूविंग एवरेज और एक 50 डेज मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया है चार्ट पर। अब आप इसका इस्तेमाल ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप ट्रेड टाइगर वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो भी इंडिकेटर हम आपको सिखाते जाते हैं, या जो इंडिकेटर आप नेट से भी, इंटरनेट से भी और पढ़ते रहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है शेयर अकेडमी की, उन सारे इंडिकेटर्स का आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है
या आपको उसे कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक, सो सेम एडीएक्स, और देखिए कितनी तरीके के इंडिकेटर्स इनके पास में अवेलेबल हैं। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स हैं, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स इसके अंदर है, एवरेज टू रेंज या ATR है, बोलिंजर बैंड्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से हैं देखिए, डबल मूविंग एवरेज भी है, एक ही बार में आपको दोनों मूविंग एवरेज एक साथ मिल जाएंगे। ठीक, MACD या MACD या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेजेस तो खैर है ही, पैराबोलिक SAR भी है, प्राइस ऑसिलेटर है, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड है, रेट ऑफ चेंज है ROC, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोकेस्टिक्स RSI सुपर ट्रेंड बहुत ही शानदार इंडिकेटर है, VWAP बहुत ही बढ़िया है, देन वॉल्यूम इंडिकेटर्स। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जो चाहे वो इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सेटिंग आपको यहां से मिल जाएगी। देन इसके बाद में आता है सपोर्ट और असिस्टेंस लाइंस, ये सपोर्ट और असिस्टेंस लाइन आपको मिलती हैं लेफ्ट साइड में यहां पर आपके लिए, जो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन ऑप्शंस के अंदर से। सो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड का जो ये इंडिकेटर का टेबल है पूरा आपका, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर अलग अलग तरीके का चेंज करने के लिए, सेकंड है जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइंस मिलेंगे, इनमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स जैसी भी रेज एरोज जो भी आपको बनाने हैं इन सब के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना है उसके लिए बहुत ही शानदार है ये ऑप्शन, सेम वैसे ही जैसे ट्रे टाइगर के अंदर मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर से हॉरिजॉन्टल लाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए। देन सेकंड ऑप्शन है आपका, आप वर्टिकल लाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम लाइन के लिए, वर्टिकल लाइंस आप लगा सकते हैं कि अगर आपको कोई स्टडी याद रखनी है कि किस पर्टिकुलर टाइम लाइन पर क्या हुआ था, ठीक है, इसके लिए ये याद है आपको कि सेम ऐसे ही हम इस्तेमाल करते थे ट्रे टाइगर के अंदर। और इन लाइंस की जो लंबाई चौड़ाई और इसकी मोटाई है, ये सब कुछ आप जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसे सीखते जाएंगे। और इसके बाद देन ब्रश का ऑप्शन है, जहां पर आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपनी स्टडीज़ को किसी भी चार्ट पर जो स्टडीज़ है उसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद अवेलेबल हैं आपके पास में पैटर्न्स, बहुत सारे प्री फैब्रिकेटेड पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स उतना ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्राइस रेंज, आमतौर पर आपको याद होगा कि जब हम कहते हैं कि कोई एक गिरता हुआ शेयर किन जगहों पर सपोर्ट लेगा, जब आप कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये सपोर्ट एक पर्टिकुलर लेवल के बजाय एक रेंज के अंदर सपोर्ट लेगा, तो वो रेंज आपको यहाँ पर मिलती हैं। देन आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स के साथ में छोटे छोटे सिंबल्स मिलते हैं, इन सिंबल्स को आप अपनी स्टडी के लिए अपने चार्ट पर और ऐड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप दोबारा से जब ये चार्ट देखें तो आपको याद रहे कि आपने किस चार्ट पर पर्टिकुलर क्या स्टडी किया था। सो कहने का मतलब है फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, ध्यान रखिए कि चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ये चीज़ें आपकी उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी। एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि कंपेयर किया हमने जब मनी कंट्रोल का जो टेक्निकल एनालिसिस का पर्टिकुलर पार्ट है ये और investing.com का, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों। सो इन दोनों के चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि investing.com जो है ये बहुत ही शार्प है और बहुत ही तेज़ है, बजाय MRF के, MRF को लोड होने में बहुत ही वक्त लगता है, माफ़ कीजिएगा, MRF को मनी कंट्रोल को लोड होने में बहुत वक्त लगता है, और इसके लिए सिस्टम स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सो डाटा बहुत कंज्यूम करता है ये, क्योंकि यूज़र इंटरफेस जो है वो investing.com का कहीं बेहतर है MRF से, इस वजह से investing.com जो है वो कहीं बेहतर है मनी कंट्रोल का जो रेगुलर पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस का स्पेशली सीखने के लिए, उससे कहीं बेहतर है investing.com का, और इसलिए हमने रेकमेंड किया। ठीक है, सो ये है मनी कंट्रोल का, सेम वही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट यूज़र इंटरफेस कहीं बेहतर है investing.com का, इसलिए कोशिश कीजिए मनी कंट्रोल को अवॉइड कीजिए और investing.com का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, सो ये था फ्रेंड्स मनी कंट्रोल वेबसाइट जो है इसे इस्तेमाल करना, खास करके उन लोगों के लिए जो कि हमारी लर्न टू अर्न सीरीज से जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं इसके बारे में, और अगर उनके पास में किसी तरह का कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो investing.com है, बहुत ही बढ़िया। और याद रखिए फ्रेंड्स कि नीलेश शाह जी ने कहा था कि अपने एकलव्य आप खुद बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से अच्छी डिग्री लेने के बाद में ही कोई अच्छा एनालिसिस कर सकें, सेम वही हाल है सॉफ्टवेयर के बारे में, हमने हमेशा कहा है कि ट्रेड टाइगर का 2.5 वर्जन जो सॉफ्टवेयर है ये शेयर एकेडमी को शेयर एकेडमी नहीं बनाता, या ये हमारी नॉलेज को इफेक्टिव नहीं बनाता,
हमारा नॉलेज जो है टेक्निकल एनालिसिस का वो अपने आप में इफेक्टिव है. आप चाहे जो सॉफ्टवेयर दे दें वो धीमे चलता हो, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल ना हो, तो भी अगर आपके पास में नॉलेज अच्छा है, बेसिक्स का नॉलेज आपका स्ट्रांग है और साथ ही आप अपने उस नॉलेज को ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप किसी भी बेहतर सॉफ्टवेयर से अच्छा रिजल्ट्स अपने नॉलेज के बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए निकाल सकते हैं. आप शेयर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और शेयर्स के अंदर प्रॉफिटेबल कॉल्स या फिर अवॉइड कॉल्स बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं. किन शेयर्स को खरीदना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए, मोमेंटम कैसा है, ये सब कुछ आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं अगर आपका बेसिक अच्छा है और आपके पास में नॉलेज है और आपकी एनालिसिस अच्छी है. असल में इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स, एक बहुत ही मशहूर कहावत है. सो सेम यहाँ भी है कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है बट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, ज़्यादा मायने रखता है आपका नॉलेज. तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए नई नई चीज़ों को, जो भी नई नई स्टडीज़ आ रही हैं वो, और चार्ट का इस्तेमाल कैसे करना है इसे सीखते रहिए. सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन था बिल्कुल छोटा सा हमारा, खास करके उन लोगों के लिए जो मार्केट में बिल्कुल नए नए आए हैं, जिनके पास में पेड सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं, उनकी न सिर्फ ये सेशन मदद करेगा कि कैसे एक नया निवेशक मार्केट के अंदर जो एक रिटेल निवेशक के तौर पर आया है वो investing.com का इस्तेमाल करते हुए किसी भी शेयर के टेक्निकल एनालिसिस, मिनिमम फंडामेंटल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है और चार्ट को पढ़ना सीख सकता है, न केवल बल्कि पढ़कर अच्छी बाइंग करने वाली अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ भी सकता है. सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन है हमारा ये आपको पसंद आया होगा. आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा. अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए. शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की. मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं. सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स. थैंक यू वेरी मच.